आइंस्टाइन सर ने कंपाउंड इंटरेस्ट को एट वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा है। ये कंपाउंड इफेक्ट हम किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होने के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और हर सक्सेसफुल पर्सन इस कंपाउंड इफेक्ट को समझता है। यहाँ मैंने इसको वर्क डन वर्सेस रिजल्ट एक कर्व से एक्सप्लेन करूँगा, और इसमें मैंने जो कर्व बनाया है इसमें अगर हम देखें तो इनिशियल में हमारा वर्क डन बहुत ज़्यादा होगा लेकिन रिजल्ट निल के बराबर होगा। लेकिन एक स्टेट ऐसी आएगी जब हम अगर परसिस्ट रहें, ज़्यादातर लोग जो होते हैं ना वो इसी रीज़न में क्विट कर जाते हैं, वो सोचते हैं रिजल्ट ही नहीं आ रहा तो मैं मेहनत क्यों करूँ, है ना। लेकिन जो सक्सेसफुल होते हैं किसी भी फील्ड के अंदर वो समझते हैं कि ये रीज़न हमें क्रॉस करना है, और उसके बाद में एक ऐसा रीज़न आएगा डेफिनेटली जहाँ स्मॉल वर्क डन में, जिसको हम स्मार्ट वर्क कह सकते हैं, स्मॉल वर्क डन में हमें लार्ज रिजल्ट मिलेगा। एक स्टूडेंट अपनी लाइफ में अगर डेली के कुछ फॉर्मूला ही याद करे, जैसे फिजिक्स में अगर मैं एग्जांपल दूं, डेली के 5 फॉर्मूला भी याद करे तो 1-2 मंथ में उसकी फॉर्मूला लिस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसी को कंपाउंडिंग इफेक्ट कहते हैं। जिस चीज़ों पर हम डेली रूटीन में अपनी हैबिट बनाकर प्रैक्टिस करते रहते हैं, एक टाइम के बाद में उसका इफेक्ट कंपाउंडिंग इफेक्ट बन जाता है, और तभी वो सक्सेस को गेन करता है।